ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। बहुत सारे जातक छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। मन में एक अज्ञात सा डर, एक भय हमेशा बना रहता है और बहुत सारे जातकों को हर बार एक चौराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं कि जीवन में क्या होगा, कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा, सब चीज़ें कैसे बेहतर होगी, हम जिस लाइफ में हैं, जिन हालातों में, उन हालातों से हम कब बाहर आएंगे। और बहुत ज़्यादा वो खुद को लेकर, खुद की एक उधेड़ बुन में, खुद की एक निराशा में, खुद की एक नकारात्मकता में वो घूमा करते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन जब भी किसी व्यक्ति के साथ लाइफ में बनती है, तब हमें क्या करना चाहिए, कौन से सही रास्ते अपनाना चाहिए, जिन रास्तों को अपना कर आप इन सब परेशानियों से बहुत कम, बहुत सरल तरीके से बाहर आ सकते हैं। सबसे पहली बात है कि कभी भी अपना आत्मविश्वास कमज़ोर करने की हमें आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे जातक अपने आत्मविश्वास को अगर थोड़ा सा मजबूत कर लेंगे तो इस सिचुएशन से वो हमेशा के लिए बाहर आ जाएंगे। और दूसरी एक वजह होती है कि ज्ञान का अभाव, चीज़ों के बारे में प्रॉपर जानकारी न होना। और ये दोनों चीज़ें जो इंडिकेट होती है, बृहस्पति ग्रह को से जुड़ी हुई है। इसलिए आत्मविश्वास की कमी होने का सीधा सा प्रभाव है कि बृहस्पति का कहीं ना कहीं कमजोर होना है। तो जैसे ही आप आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, क्योंकि बृहस्पति का नेचर जो होता है वो शुभता का ग्रह है, वो गुरु है, तो आत्मविश्वास जो है ये हमारी आज़ादी है, हमारा फ्रीडम है, हम इस पर काम कर सकते हैं। तो अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सरल तरीका है खुद पर यकीन करना। सबसे पहले खुद पर शक करना छोड़ें कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर सकता हूं, मैं ये चीज़ें हो नहीं पाएगी। ये जितनी सारी चीज़ें नेगेटिव चल रही है, इन्हें सबको हटाएं और एक पॉजिटिव, जितने सारे क्वेश्चन से मैं कर सकता हूं, मुझ में पूरी योग्यता है, मैं और अच्छे से करूंगा, मैं वो अच्छे से सीखूंगा और मैं बेहतर जो भी कर पाऊंगा जरूर करूंगा। जब ये क्वेश्चन आप शुरू करेंगे पॉजिटिव, तो बृहस्पति स्वाभाविक रूप से आपको एक पावर क्रिएट करेगा और इन सिचुएशनों से आपको धीरे धीरे खुद आप इस चीज़ को प्रयोगात्मक करेंगे तो आपको बाहर आने में पूरी मदद मिलेगी। साथ ही साथ इसके साथ आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, गीता का ध्यान, ये नियमित आपको करना है, क्योंकि ये जो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं पॉजिटिव, वो दोस्तों शायद उसका कोई कोई शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। जो मेरा निजी अनुभव है मैं वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ, गीता के अध्ययन से, हनुमान चालीसा के पाठ करने से, जो मेरा निजी अनुभव है, वो जो वाइब्रेशन पॉजिटिव करते हैं, जो फील, शायद उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो वो नियमित हमें करना है। तो ये जो परेशानियाँ आपके साथ चल रही हैं, इनसे आप बाहर आ जाएंगे, लेकिन शर्त ये है कि नियमित रूप से इसे करें, कंटिन्यू रखें, मन नहीं लगे तब भी करें और कोशिश करें ओम नमः शिवाय का जाप करें।